गुड इवनिंग एवरीवन. टाइम पता नहीं क्या हो चुका है, मैं खड़ी हुई पहनी नहीं है. और आज है थर्सडे और काफ़ी दिनों से हमें स्टारबक्स की लत लगी हुई थी कि स्टारबक्स जाना है. तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि आज हम स्टारबक्स जाएंगे. और स्टारबक्स हमारे घर के इतनी पास है कि हम वॉकिंग डिस्टेंस में मतलब कवर कर सकते हैं उसको. Yes. गाड़ी हम नहीं लेके आए और चप्पलों में ले आए दोनों कैमरे के लिए. So what's up everyone, this is Abhimanyu and welcome back to my another vlog and I hope you're doing perfectly. Fine. तो जब सबसे मुश्किल टास्क है, मुझे जो लगता है सबसे मुश्किल टास्क वो है ऑर्डर देना. क्या लेना है, क्या पीना है. ठंडे में ही पीऊँगा, गर्मी का पीने को है नहीं. ठंडे में पीऊँगा लेकिन क्या पीना है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा. क्या लेना क्या है, तुम क्या ले रहे हो? मैं तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ मीठा कॉफ़ी एंड सॉर्ट ऑफ दैट. मेरी बस खुशी पति की खुशी में ही है, वो पी लेगा मैं पी लूँगी. कोल्ड कॉफ़ी कोई मैं कुछ खा लूँ अगर पता नहीं. क्या ऑर्डर करी तू? यार मैं ये देखूँ जाने क्या फूड आइटम और अभिमन्यु ABHIMANYU. भावना कॉफ़ी कॉफ़ी पीने जाती है तो वो इतनी एक्साइटेड नहीं हो जाती. तो मैं तेरी शूट करती हूँ, तू भी एक्साइटेड होकर डांस करने लग जाए. वो जैसे डांस नहीं करती है. मुझे पता नहीं कि स्टारबक्स से मेरे को क्या क्यों इतनी लगन है, क्यों इतना प्यार है स्टारबक्स से. क्योंकि जब ये यहाँ पे स्टारबक्स चंडीगढ़ में बिल्कुल भी नहीं था, मैंने अनलिमिटेड मेल्स भेजी है स्टारबक्स को, कंपनी को, कि प्लीज़ चंडीगढ़ में ओपन करो. मैं उसका फेवरेट हूँ, मुझे इसका जो लोगो होता है वो बहुत पसंद है. शुरू से जब से ही मतलब स्टारबक्स के बारे में मुझे पता लगा है तब से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस चीज़ का. लोगो का जो इतना प्यारा था, जो ग्रीन कलर की लेडी बनी हुई है वो बहुत प्यारी लगती है. फाइनली मेरे सेक्टर में स्टारबक्स जब खुला ना, तो लॉकडाउन से पहले का मतलब मुझे था कि हम जाएंगे. अब लॉकडाउन ख़त्म हुए, 2 महीने हो गए है ना, 2 महीने लॉकडाउन ख़त्म हुए हो गए, लेकिन मैं आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ. मतलब देख रहे हो तुम भाई की शक्ति कितनी थी कि इतने दिनों बाद जाके मैं स्टार्ट पूछ के गए थे कि कब खुलेगा. हाँ, हम लोगों को ना बाहर वॉक कराते थे और जब भी वॉक कराने आते थे तब हम यहाँ पूछते थे कि कब खुलेगा, क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत हो गई है, हायरिंग करवानी है, हम करवाते थे बहुत कुछ था. और फिर फाइनली अब जाके हमें मौका मिला कि हम यहाँ बैठ के. और शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, शोर बहुत ज़्यादा है ना, मतलब इतने लोग हैं भी नहीं लेकिन फिर भी शोर बहुत ज़्यादा है. शायद खाली है इसलिए आवाज़ गूंज रही है सबकी. और मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरी बात भी तो गूंज रही होगी ना, सारे सुन रहे होंगे मेरी बात, क्या बात कर रहे हैं. Thank you.
अच्छा है पर एक चटनी के चक्कर में पूरा रैप खाना पड़ेगा मेरे को। तो पहले पूछ लेती हूँ उससे कि है कि नहीं। आपकी उसको घूर घूर के देख रही थी। ये ना 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 गलत काम नहीं करने। ऑफिस में किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता। सिर्फ मेरी है और मेरी। And we are done. We are going back to घर पे. Oh, it was so good. मतलब मजा आ गया पी के after so long. क्योंकि lockdown कम से कम nearly 6 महीने तो हो गए. मैंने इसको taste भी नहीं किया था. और एकदम से taste करके मतलब feel होता है कि यहाँ कुछ welcome. Starbucks मज़ेदार चीज़ थी. Thank you so much. नहीं बता दे एक चीज़ तो बता एक लड़की ने compliment करा इसको. Yeah. छेड़ रही थी वो लेकिन आई लाइक योर टी-शर्ट ब्रो ब्रो नहीं बोला उसने ब्रो इसने बोला है के साथ में उसको घूर घूर के देख रही थी मैं देख रही थी वो कौन लड़की जिसने ये टी-शर्ट को बोला आई लाइक योर टी-शर्ट तो टी-शर्ट अच्छी है तो बोल लेंगे ना कॉम्प्लीमेंट तो मिलेंगे ही